यूपी के बहराइच में हुए बवाल के बाद मैसी और आसपास के इलाकों में तनावपूर्ण हालात है। उपद्रवियों से निपटने के लिए पीएसी आरएएफ के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि बावजूद इसके बीती रात फिर से हिंसा भड़क उठी, कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया, एक धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। इन सब के बीच रविवार शाम को हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजन सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ रवाना हुए। लखनऊ जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, पुलिस की लापरवाही से ये घटना हुई है, हमें दोषियों का इनकाउंटर चाहिए। वहीं मृतक रामगोपाल मिश्रा की मां ने रोते हुए कहा कि मेरा बेटा तो चला गया, अब हम क्या करेंगे, हमें बस न्याय मिलना चाहिए, जैसे बेटे को मारा गया वैसे उनको सजा मिले। वही रामगोपाल के भाई ने कहा कि सीएम योगी से मिलने जा रहे हैं, उनको पूरी बात बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, साथ ही क्या हमारी मांग है। फिलहाल हम पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं है, पुलिस वालों की लापरवाही का यह नतीजा है, मैं वही मौजूद था जब हत्या हुई थी, हमें दोषियों का इनकाउंटर चाहिए। इस तरीके से रामगोपाल के परिजन ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है और सीएम योगी आदित्यनाथ से जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने उठाएंगे और दोषियों का इनकाउंटर करने की बात भी उन्होंने कही है। बताया गया है कि बीजेपी विधायक के साथ रामगोपाल मिश्रा के परिजन सीएम योगी से मिलने गए हैं। इसमें रामगोपाल की पत्नी रोली के अलावा रामगोपाल के पिता माँ भाई शामिल है। मालूम हो कि बहराइच हिंसा की भेंट चढ़े रामगोपाल की महज 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। बीते दिन मृतक रामगोपाल की पत्नी की तरफ से सरकार से मांग की गई कि आरोपी का इनकाउंटर होना चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं रामगोपाल की बहन का कहना है कि हमें न्याय चाहिए, हम खून के बदले खून की मांग करते हैं, योगी बाबा बुलडोजर एक्शन ले, हमारी मांग पूरी करें। दरअसल बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा रविवार शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में आगे आगे चल रहा था। यह जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो नारेबाजी और डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते यह कहासुनी बवाल में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इसी बीच हुई गोलीबारी में रामगोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। रामगोपाल की मौत की खबर के बाद महाराजगंज में बवाल और अधिक उग्र हो गया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उसे आग की चपेट में लगा दिया। इस घटना की आग पूरे जिले में फैल गई। फिलहाल इस घटना पर काबू पाई जा चुकी है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। videodesk@amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।